गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं घनश्याम दत्त शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज राजगढ़। प्रीवियस वीडियो में हमने एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल के कोफिशिएंट की गणना की है। आज हम sp2 की गणना करेंगे। देखिए, bs3 या bcl3 जिनमें सेंट्रल एटम बोरोन का एटॉमिक नंबर दोनों में सेम है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 दोनों में सेम है। बोरोन हैव 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एक्साइटेड स्टेट। नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में बोरोन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि बोरोन का जो एटॉमिक नंबर है वो 5 है और 1s2 2s2 2p1 होता है इसका, लेकिन एक्साइट स्टेट में 2s से एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाता है और ऑब्वियसली वो px py pz में से एक में अपना स्थान ग्रहण करता है। तो BS3 या BCl3 में बोरोन के तीन कक्षक 2s, 2px, 2py मिश्रित होते हैं। गणितीय गणना द्वारा देखा गया कि ये तीनों नए कक्षक समतलीय हैं तथा एक दूसरे से आपस में 120 डिग्री का कोण बनाते हैं। इन तीन संकरित कक्षकों के लिए तरंग फलन ψ1=A₁ sin s + B₁ sin px + C₁ sin py। दूसरी जो तरंग फलन है A₂ sin s + B₂ sin px + C₂ sin py। ψ3=A₃ sin s + B₃ sin px + C₃ sin py। तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनका नाम sp2 होता है, जिनमें एक s दो p कक्षक मिलके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, तो उन तीनों में ही s और दो p कक्षकों का अपना योगदान होता है। तो उनका जो योगदान है वो कितना परसेंट है, उस गुणांक की गणना के लिए अपन इनकी तीन वेव इक्वेशन लिखते हैं। तीन वेव इक्वेशन लिखने के बाद में हम इनकी गणना करते हैं। तो देखिए, अपना फर्स्ट जो स्टेप है, एस कक्षक का आवेश घनत्व तीनों संकरित कक्षकों में समान रूप से वितरित रहता है। चूंकि एस कक्षक स्फेरिकल होता है और स्फेरिकल एस कक्षक के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चारों तरफ समान होती है, तो जब ये तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस कक्षक का जो कोफिशिएंट है वो a₁ a₂ a₃ से रिप्रेजेंट है। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की अगर बात करें तो a₁² = a₂² = a₃² = 1/3 की जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो तीनों जो कक्षक बनेंगे उनमें बराबर रूप से वितरित हो जाएगी 1/3। a₁² = a₂² = a₃² = 1/√3। तो यहाँ हमें जो कोफिशियंट a₁ a₂ a₃ है इनकी वैल्यू प्राप्त हो गई। नेक्स्ट अपने को ऐसे ही b₁ b₂ b₃ c₁ c₂ c₃ की वैल्यू निकालनी होगी। सेकंड स्टेप है कि अगर हम ये माने कि ψ₁ एक्स अक्ष की तरफ है तो कक्षक py का इसमें अंशदान शून्य होगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ py इज 0 अगेंस्ट एक्स एक्सिस, अर्थात c₁=0। जब py कक्षक y अक्ष पर है तो x अक्ष की दिशा में उसका योगदान शून्य होगा, तो यहाँ c₁ कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ψ₁ की नॉर्मलाइज शर्त लगाने पर a₁² + b₁² + c₁² = 0 = 1। जब अपन ψ₁ जो इक्वेशन लिखी हुई है 33, इसका नॉर्मलाइज
जैसे करने की शर्त लगाते हैं तो वैल्यू अपने पास ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर इजकल टू वन निकल के आता है। ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर इजकल टू वन, ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर इजकल टू वन। चूँकि सी वन इजकल टू जीरो है, अभी अपन ने ऊपर ही लिखा है कि एक्स अक्ष के संदर्भ में पी वाई का अंशदान योगदान जीरो होगा, तो सी वन का मान भी क्या होगा, जीरो होगा। इसलिए ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर इजकल टू वन रहा। तो ए वन की वैल्यू अपने को पता है कि एक बटन रूट तीन है, तो बी वन स्क्वायर तो वैल्यू निकल के आती है टू बाई थ्री, या अपन ये कहें कि बी वन इजकल टू रूट टू बाई थ्री। तो देखिए यहाँ पे अपने पास में बी वन की वैल्यू भी आ गई है। दो कक्षक साई वन व साई टू तथा साई वन व साई थ्री ऑर्थोगोनल शर्त लगाने पर, देखिए दो जो वेव फलन है, वेव फंक्शन है साई वन व साई टू, साई वन व साई थ्री पर ऑर्थोगोनल की शर्त लगाते हैं कि साई वन साई टू का इंटीग्रेशन इजकल टू जीरो होता है, ये ऑर्थोगोनल की शर्त होती है। तो ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इजकल टू जीरो, ए वन ए थ्री प्लस बी वन बी थ्री प्लस सी वन सी थ्री इजकल टू जीरो। चूँकि सी वन ऑलरेडी जीरो है एक्स अक्ष के सापेक्ष, तो यहाँ पर सी वन सी टू सी वन सी थ्री इनका वैल्यू भी जीरो होगा। तो शेष क्या रहा, ए वन ए टू इज प्लस बी वन बी टू इजकल टू जीरो और ए वन ए थ्री प्लस बी वन बी थ्री इजकल टू जीरो। अब देखिए यहाँ पे बी टू इक्वेशन जो है ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू में बी टू इजकल टू अपने पास आएगा माइनस ए वन ए टू अपॉन बी वन, क्योंकि ए वन ए टू का वैल्यू हमें पता है एक बटन रूट तीन होता है और बी वन की वैल्यू अभी अपन ने निकाली रूट टू बाई थ्री है, तो ये वैल्यू अपन ने यहाँ इंसर्ट कर दी, तो ये क्या निकल के आया वन अपॉन अनरूट सिक्स। ऐसे ही बी थ्री की वैल्यू निकालेंगे तो वही माइनस ए वन ए थ्री अपॉन बी वन इजकल टू, ए वन ए थ्री की वैल्यू इंसर्ट कर दिए एक बटा तीन और बी वन की वैल्यू इंसर्ट करते हैं रूट टू बाई थ्री, तो वही माइनस एक बटा अनरूट सिक्स निकल के आ जाता है। तो देखिए ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री इनकी वैल्यू निकल के आएगी, ए वन ए टू ए थ्री की एक बटा अनरूट तीन, बी वन बी टू बी वन की रूट टू बाई थ्री, बी टू की माइनस एक बटन रूट छः और बी थ्री की भी माइनस एक बटन रूट छः आ गई। अब देखिए साई थ्री टू की नॉर्मलाइज शर्त लगाने पर, जो तरंग फलन साई टू है उस पर, तो ए वन स्क्वायर प्लस बी टू का स्क्वायर प्लस सी टू का स्क्वायर इजकल टू वन, तो ए टू का स्क्वायर प्लस बी टू का स्क्वायर ये अगर अपन एक तरफ ले जाते हैं तो वन माइनस ए टू का स्क्वायर प्लस बी टू का स्क्वायर, ए टू का स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है एक बटा तीन प्लस बी टू का स्क्वायर का वैल्यू है एक बटा सिक्स इजकल टू एक बटा दो, या सी टू इजकल टू रूट वन बाई टू। इस प्रकार से सी टू की वैल्यू निकल के आ जाती है। साई थ्री की नॉर्मलाइज कंडीशन लगाने पे ए थ्री क्यू स्क्वायर प्लस बी थ्री स्क्वायर प्लस सी थ्री स्क्वायर इजकल टू वन, वही ए थ्री और बी थ्री के स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है और सी थ्री स्क्वायर इजकल टू वन माइनस ए थ्री स्क्वायर प्लस बी थ्री स्क्वायर, तो वन माइनस एक बटा तीन प्लस एक बटा छः इजकल टू एक बटा दो, या सी थ्री बराबर प्लस माइनस वन बाई रूट टू आ गया। तो इस प्रकार से देखिए अपने पास में साई वन साई टू साई थ्री में ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री की वैल्यू निकल के आ गई अपने पास में। तो ए वन ए टू ए थ्री की वैल्यू वो है एक बटा रूट तीन, बी वन की वैल्यू रूट टू बाई थ्री, बी टू और बी थ्री की वैल्यू माइनस एक वन बाई रूट सिक्स, सी वन की जीरो, सी टू की वन बाई रूट टू और सी थ्री की वन बाई प्लस माइनस रूट टू। साई टू व साई थ्री को अलग प्रदर्शित करने के लिए सी थ्री का मान वन माइनस वन बाई रूट टू लेते हैं, अतः इनके मान समीकरणों में रखने पर इन तीनों एस पी टू संकृत कक्षकों के लिए तरंग फलन साई वन इजकल टू वन बाई रूट तीन, साई एस प्लस रूट
टू बाई थ्री साई पी एक्स, साई टू इजकल टू वन बाई रूट थ्री साई एस माइनस वन बाई रूट सिक्स साई पी एक्स प्लस वन बाई रूट टू साई पी वाई, साई थ्री इजकल टू वन बाई रूट थ्री साई एस माइनस वन बाई रूट सिक्स साई पी एक्स माइनस वन बाई रूट टू साई पी वाई। तो देखिए sp3 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं इस प्रकार से ट्राइगोनल प्लेनर कंडीशन में ये जमे हुए रहते हैं। और आज के लिए हमने ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए जो वेव फंक्शन है, तरंग फलन है, उनमें जो कोफिशिएंट है उनकी वैल्यू कैलकुलेट की है। थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही।